अध्याय 18वां मोक्ष सन्यास योग। सन्यासस्य काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे अंतर्यामीन, हे केशी नाम के असुर को नष्ट करने वाले तथा इंद्रियों को स्वाधीन रखने वाले श्री कृष्ण, मैं सन्यास तथा त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं, दूसरे विचक्षण पुरुष सर्व कर्मों के फल के त्याग को ही त्याग कहते हैं। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। तथा कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है और इसीलिए सर्व कर्म का त्याग करना चाहिए, जबकि अन्य विद्वान कहते हैं कि यज्ञ तप और दान के कर्म त्याग करने योग्य नहीं है। परंतु हे पुरुषों में व्याघ्र समान और भरत कुल में श्रेष्ठ अर्जुन, इस त्याग के बारे में अब तू मेरा निर्णय सुन। त्याग तीन प्रकार का कहा गया है, यज्ञ दान तथा तपरूप कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। ये कर्म तो अवश्य ही करने के योग्य हैं, क्योंकि यज्ञ तप और दान के कर्म मन को स्वाधीन रखने वालों को भी पवित्र करते हैं, और ये सब कर्म तथा हे पार्थ अन्य कर्तव्य कर्म भी आसक्ति तथा फल की आकांक्षा का त्याग करते हुए अवश्य करने चाहिए, ऐसा मेरा उत्तम व निश्चित मत है।
तस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेशभयात्यजे सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभे। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। परंतु नियत कर्म का किसी भी प्रकार से त्याग उचित नहीं है। मोह के कारण उसका त्याग कर देना तो तामस त्याग कहा गया है, और जो कुछ कर्म हैं वे दुख रूप ही हैं ऐसा समझकर शारीरिक कष्ट के भय से यदि उनका त्याग किया जाए तो ऐसा त्याग राजस त्याग है, जिससे त्याग का कोई फल भी नहीं मिलता। हे अर्जुन, अपना कर्तव्य कर्म समझकर जो आवश्यक नियत कर्म आसक्ति तथा फल की भोगेच्छा छोड़कर किए जाते हैं उस त्याग को सात्विक त्याग कहते हैं। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते त्यागे सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागेस त्यागेत्यभिधेयते। और हे अर्जुन, जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता तथा कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वो संशय रहित और सत्वयुक्त बुद्धिमान पुरुष सच्चा त्यागी है। देह धारण करने वाले मनुष्य के लिए कर्मों का संपूर्ण त्याग संभव नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्याग करता है उसे ही त्यागी कहते हैं। अनिष्टमिष्टम् मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् कर्म फल का त्याग न करने वालों को इष्ट अनिष्ट
वह सम्मिश्रित ऐसे कर्म के तीन प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। परंतु कर्म फल का त्याग करने वाले सन्यासियों को इन तीन फलों में से किसी की भी प्राप्ति कभी नहीं होती। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा। और हे महाबाहो, सर्व कर्मों की सिद्धि के लिए कर्म के दोष का अंत करने वाले पांच कारण सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, जिन्हें तू अब मुझसे अच्छी तरह जान ले। अधिष्ठानम् तथा कर्ता करणम् च पृथक् विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवां मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। और हे अर्जुन, कर्मों की सिद्धि में एक तो आधार क्षेत्र, फिर कर्ता, विविध उपकरण तथा नाना प्रकार की चेष्टाएं और पांचवां कारण दैव है। पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है, क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुकूल या विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके पांचों कारण यही हैं। तत्रैवं सति कर्ता रमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। परंतु इस सत्य का ज्ञान रखते हुए भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि के कारण उस विषय में अर्थात कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वो मलिन बुद्धि वाला तथा अज्ञानी है तथा उसे यथार्थ का कोई ज्ञान नहीं है। और हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में अहंकार नहीं है तथा जिसकी बुद्धि संसार से अलिप्त है, वो पुरुष इन सब लोगों को मारते हुए भी वास्तव में न तो मारता है न पाप से बंधता है। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिथैव गुणभेदतः
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन प्रकार की कर्म की प्रेरणा है। साथ ही कर्ता, साधन व क्रिया, ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। इन गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान, कर्ता तथा कर्म को गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं। उनका भी वर्णन तू अब मुझसे सुन ले। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययम् मीक्षते अविभक्तम् विभक्तेषु तज्ज्ञानम् विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यद्ज्ञानम् नाना भावान् पृथक् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञानम् विद्धि राजसम्। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सर्वभूतों में एक ही अविनाशी परमात्म भाव को अविभाजित रूप में देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। किंतु जिस ज्ञान द्वारा सर्वभूतों की भिन्नता व उनके विविध भावों को पृथक पृथक जाना जाता है, उसे राजस ज्ञान जान। परंतु जिस ज्ञान से एक ही कार्य में संपूर्ण के सदृश आसक्ति होती है तथा जो बिना हेतु का और रहस्यहीन तथा क्षुद्र होता है, ऐसा ज्ञान तामस ज्ञान कहा जाता है। नियतम् संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदारुतम्। अनुबंधं क्षयं हिंसां अनपेक्ष्यत्य पौरुषं मोहात् आरभ्य कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। हे अर्जुन, कर्म भी त्रिविध हैं। जो कर्म शास्त्र विधि के नियमानुसार किया गया हो तथा आसक्ति रहित
और बिना राग द्वेष के भाव से किया गया हो उसे सात्विक कर्म कहा जाता है। परंतु जो कर्म फल की इच्छा से, अहंकार की भावना से तथा अत्यंत प्रयत्न पूर्वक किया गया हो उसे राजस कर्म कहा गया है। तथा जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य का कोई भी विचार न करते हुए केवल मोह व अज्ञान से आरंभ किया जाता है उसे तामस कर्म कहा जाता है। मुक्त संगो नहं वादि धृत्युत्साह समन् रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृत स्तब्ध षठो नैष्कृतिकोलस विषादी दीर्घसूत्रे च कर्ता तामस उच्यते। हे अर्जुन, इसी प्रकार कर्ता भी त्रिविध हैं। जो कर्ता संग रहित, अहंकार रहित, धैर्य व उत्साह से युक्त तथा कार्य की सिद्धि या असिद्धि में निर्विकार रहता है उसे सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्म फल की इच्छा रखने वाला, लोभी, हिंसाशील, अशुद्ध आचार रखने वाला और हर्ष शोक से लिप्त है वो राजस कर्ता कहा गया है। और जो कर्ता अयोग्य, संस्कार रहित, घमंडी, धूर्त, दूसरों की जीविका का नाश करने वाला, विषादी, आलसी तथा दीर्घ सूत्री है उसे तामस कर्ता कहते हैं। बुद्धेर्भेदम् धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन दनन् जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्मं अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति मन्यते तमसावृता सर्वार्थान्
विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थतामसी। हे धनंजय, अब तू बुद्धि तथा धृति अथवा धारण शक्ति के भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार के विभाग हैं, वो मेरे द्वारा संपूर्णता से कहे गए हैं, उन्हें सुन ले। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति तथा निवृत्ति, कर्तव्य तथा अकर्तव्य, भय तथा अभय, बंधन व मोक्ष, इन सभी को अच्छी प्रकार जानती है, वो बुद्धि सात्विक है। और हे पार्थ, जिस बुद्धि द्वारा धर्म और अधर्म का, कर्तव्य और अकर्तव्य का भेद भी अच्छी प्रकार जाना नहीं जाता, वो बुद्धि राजसी है। और हे अर्जुन, जिस बुद्धि द्वारा मनुष्य अधर्म को ही धर्म समझता है और सर्व अर्थों को विपरीत ही मान लेता है, वो बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणे यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुना प्रसंगेन फलकांक्षी धृतिः सा पार्थराजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थतामसी। हे अर्जुन, धृति भी त्रिविध है। जिस अव्यभिचारिणी धृति से मनुष्य ध्यान योग द्वारा मन प्राण तथा इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वो सात्विक धृति है। परंतु हे पार्थ, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और काम को धारण करता है, वो राजसी धृति है। तथा हे अर्जुन, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति से निद्रा भय चिंता और दुख को तथा मद को भी नहीं छोड़ता और धारण किए रहता है, वो तामसी धृति है। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरत शभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं आत्मबुद्धि प्रसादजम्। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखं राजसं स्मृतम्।
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसं उदाहृतम्। हे भरत श्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख के भेद भी मुझसे सुन ले। साधक अभ्यास द्वारा ही सुख में रमण करता है और दुखों का नाश करता है। जो आरंभ में विष के समान प्रतीत होता है किंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, और जो आत्मबुद्धि की प्रसन्नता से निपजता है उस सुख को सात्विक कहा गया है। और जो सुख विषय तथा इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होता है वो पहले तो अमृत समान प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के ही समान है, और वो सुख राजस कहा गया है। जो सुख प्रारंभ में और अंत में आत्मा को मोह में वश कर लेता है वो निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यां वादिवे देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदि हे अर्जुन, पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवलोक में या अन्यत्र कहीं भी ऐसा कोई सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से मुक्त या अलिप्त हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणै शमोदमस्तप शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। हे परम तप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्म भी स्वभाव से उत्पन्न गुणों के कारण विभक्त हैं। शम अथवा अंतःकरण का निग्रह करना, दम अथवा इंद्रियों का दमन करना, तप अथवा धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, शुद्धि अथवा बाहर भीतर से शुद्ध रहना, क्षमा सरलता तथा आस्तिकता, ज्ञान व विज्ञान अथवा परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये ही
ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्य, तेज, धैर्य, चातुर्य और युद्ध में भी पीछे हट न करना, दान करना और स्वामी भाव, ये सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। तथा खेती, गोपालन एवं व्यापार ये वैश्यों के स्वभाव जन्य कर्म हैं। तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मा निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत् शृणु यतः प्रवृत्तिर्भूता अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। स्वकर्म में तत्पर रहने वाले मनुष्य को जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त होती है उस विधि को तू सुन। हे अर्जुन, जिस परमेश्वर से सर्व प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की स्वकर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजम् कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजे बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगता स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्यासेनाधिगच्छति। हे पार्थ, इसलिए गुणहीन व कठिन जैसा दिखने वाला स्वधर्म भी आचरण करने में आसान दिखने वाले परधर्म से कहीं अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि स्वभाव प्रकृति से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करने से मनुष्य को कभी पाप नहीं लगता। हे कौन्तेय, इस प्रकार दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त तो हैं ही, जैसे अग्नि के साथ धुआं होता है। हे अर्जुन,
आसक्ति रहित बुद्धि से जीते हुए अंतःकरण वाला और स्पृहा रहित मनुष्य सन्यास द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे समासे नैव कौतेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो द्रुत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवे लघ्वाशे यतो वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। हे कौन्तेय, सिद्धि प्राप्त करने वाला मनुष्य जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करता है वो तू मुझसे अब संक्षिप्त रूप में सुन। वो जो ब्राह्मी स्थिति व प्राप्ति है उसे ज्ञान की पराकाष्ठा कहा जाता है। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त धैर्य से आत्मनियमन करके शब्दादि विषयों का त्याग करते हुए राग द्वेष को जीत कर एकांत का सेवन करते हुए मिताहारी बनकर मन वचन व शरीर को स्वाधीन रखते हुए सदा ध्यान योग में तत्पर रहते हुए दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला अहंकार बल गर्व काम क्रोध और संग्रह वृत्ति का त्याग करके ममता रहित बनने वाला जो शांति युक्त मनुष्य है वही ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। ब्रह्म भाव को जिसने प्राप्त कर लिया है ऐसा प्रसन्न चित्त योगी न किसी के लिए शोक करता है न किसी की आकांक्षा ही करता है और समस्त भूत समुदाय के विषय में समभाव रखते हुए वो मेरी परम भक्ति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, इस परम भक्ति के द्वारा वो योगी मैं जो हूं और जैसा हूं उसे पूर्ण तत्व से जान लेता है और मुझे तत्व से जानने के बाद इससे
वो तुरंत ही मुझ में ही प्रवेश करता है। ऐसा योगी सदा मेरे परायण रहकर संपूर्ण कर्मों को करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगं उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। हे अर्जुन, तू भी सर्व कर्मों को मन से ही मुझ में समर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग का आश्रय करते हुए मेरे परायण होकर मुझ में ही अपने चित्त को सतत जोड़ दे। इस प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से सारे संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो अवश्य नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदहंकारमाश्रित्य नयोत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। स्वभावजे कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यम् और यदि तू अहंकार का आश्रय लेकर मैं नहीं लड़ूंगा ऐसा समझता है तो ये निश्चय ही मिथ्या है, क्योंकि तेरी प्रकृति भी तुझे इस युद्ध में लगा देगी। और हे कौन्तेय, जिस कर्म को तू मोहवश होकर करना नहीं चाहता उसे भी अपने पूर्वकृत कर्मों से बने स्वभाव के कारण परवश होकर भी करेगा। ईश्वर सर्वभूतानां रुद्देशे जुनतिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानम् प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, शरीर के यंत्र में आरूढ़ हुए सर्व प्राणियों के अंतर्यामी ईश्वर अपनी माया से ही उन्हें भ्रमण कराते हैं और उनके हृदय में स्थित हैं। इसलिए हे भारत, तू सर्व भावों से इस ईश्वर के ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से परम शांति व सनातन परम पद प्राप्त होगा। ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया है। इसका पूर्ण तथा भली प्रकार से मनन करके अब तू तेरी अपनी इच्छा के अनुसार कर्म कर। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। ये सर्वगुह्यतम मेरा परम वचन तू फिर से एक बार सुन ले। तू मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तेरे हित की ही बात करता हूं। तू मेरे में मन जुटा दे, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। तू मुझे प्रिय है, इसलिए मैं ये कहता हूं। तू सब धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आ, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त करूंगा। तू शोक मत कर। इदं ते ना तपस्कार ना परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यसि, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत् भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। ये गुह्यतम ज्ञान उसे कभी नहीं बताना जो तपस्वी नहीं है, भक्त नहीं है
जो सुनने की इच्छा नहीं रखता अथवा जो मेरा द्वेष करता है। जो मनुष्य मुझ में दृढ़ भक्ति रखते हुए ये परम गुह्य ज्ञान मेरे भक्तों में कहेगा, वो निस्संदेह मुझको ही प्राप्त करेगा। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा सारी पृथ्वी में उससे बढ़कर मेरा प्रियजन अन्य कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहं इष्टः स्यामिति मे मतिः। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। और जो कोई अपने इस धर्मयुक्त संवाद का अध्ययन करेगा, उसने भी मेरी ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजा की है, ऐसा मेरा मत है। हे पार्थ, श्रद्धावान, मेरा द्वेष नहीं करने वाला जो कोई मनुष्य इस ज्ञान गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वो भी पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वाले व श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चिद् अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनं तव। श्री भगवान ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, क्या इस सब का तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? हे धनंजय, क्या तेरा ज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्वकर्म की स्मृति प्राप्त हुई है, अब मुझे कोई संशय सताता नहीं और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं अश्रौषमद्भुतम् व्यास प्रसादात् श्रुत्वानेतत् गुह्यम् अहम् परम् योगम् योगेश्वरात् कृष्णात् राजन् संस्मृत्य संवादमिमं अद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यं
करिष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतम् हरे विस्मयो इसके पश्चात संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने वासुदेव महात्मा का पार्थ के साथ का यह अद्भुत रोमांचकारी संवाद सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गुह्य योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन, मैं केशव तथा अर्जुन के वो पुण्यकारक अद्भुत संवाद को बार बार याद करके प्रसन्न हो जाता हूं, तथा हे राजन, श्री हरि के उस अति विलक्षण व अद्भुत विश्व रूप का पुनः पुनः स्मरण करके मुझे महान विस्मय होता है और मैं बार बार हर्षित हो जाता हूं। हे राजन, अब विशेष तो क्या कहूं, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां धनुर्धारी पार्थ है, वहीं पर श्री विजय विभूति अचल नीति और ऐश्वर्य हैं, ऐसा मेरा मत है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भवतु।